हाय फ्रेंड्स, आज हम रिपेयर करने वाले हैं आउटडोर मॉड्यूल जो कि ये आपके सामने है। ये देखिए, ये P10 है और इसमें 2727 लैंप है। तो चलिए देखते हैं इसके कनेक्शन करके इसमें क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। और वीडियो में प्लीज़ बने रहिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ ये पूरा। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए हमारे पास, एक कार्ड टेस्टिंग के लिए, मॉड्यूल टेस्टिंग के लिए, ये फारसी केबल, ये पावर सप्लाई जो कि मैंने 5 वोल्ट 5 एम्पेयर में सेट करके रखा हूँ, इसे ऑन कर दिया। देखिए ये कार्ड ऑन हो गया, आप देख पा रहे होंगे। और उसके लिए चाहिए ट्यूज़र, नाइफ, सोल्डरिंग वायर, आयरन। ये आयरन है मेरे पास, इसे ऑन कर देते हैं। ये देखिए ऑन हो गया। और चाहिए ये लैम्प जो लगेंगे, और क्या चाहिए, आईसी जो कि मेरे पास है, रिक्वायर के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो इसे मैं कनेक्ट करता हूँ इस टाइप से। ये मेरा एग्जॉस्ट फैन जो कि एयर स्मोक को खींचता है, और ये है मॉड्यूल जो कि हमें रिपेयर करना है। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें, मैं इसे चेक करता हूँ कि क्या इशू है इसमें। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे लगा दिया हूँ और मैं इसे देने जा रहा हूँ पावर। तो टेस्टिंग सीट से हम लोग चेक करेंगे कि क्या इशू है। ये देखिए ब्लू पूरा है, और ये देखिए यहाँ पे ग्रीन पूरा है, रेड पूरा है, तो मिसिंग। देखिए ये एक लैंप है जो मिस कर रहा है कलर, आप देख पा रहे होंगे मिसिंग कर रहा है कलर, तो उसे हम लोग रिप्लेस करेंगे दोस्तों। आउटडोर मॉड्यूल है ये, मैं आप लोगों को ऐसे ओपन करके दिखा देता हूँ। उसके लिए स्क्रू ड्राइवर मशीन चाहिए जो कि मेरे हाथ पे है ये। तो इसको रिवर्स करके हम लोग इसकी मास्क निकाल लेंगे इस तरह से। और ये आउटडोर है करके आप लोगों को मैं, ये देखिए मैग्नेट में चिपका देते हैं इसे। मैं पूरा रिमूव इसलिए करूँगा कि आउटडोर बहुत जन को पता नहीं है कैसा होता है, तो जेली निकालना पड़ता है क्या होता है। कई बार मुझे मैसेज आते हैं कि आउटडोर पैनल या मॉड्यूल्स कैसे होते हैं, वो देखना है सर करके। तो मैं आज आउटडोर मॉड्यूल दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए इसमें दोस्तों 2727 लैंप है और वाइट SMD है ये। अब इसमें ये आप मत बोलिएगा कि वाइट SMD क्या है, ये वाइट कलर के ऊपर में जो होती है ब्लैक SMD होती है। टू टाइप्स के लैंप होती है। देखिए इसको हल्के हाथ से उठा दिया मैंने, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जेली लगी हुई है। देखिए ये जेली लगी हुई है ब्लैक कलर की, ताकि इसमें वाटर ना लगे, बारिश में कुछ ना हो इसको। तो चलिए इसको हम रिपेयर करते हैं। तो हल्के हल्के हाथों से इसके जो जेली है उसको रिमूव कर लेंगे। ये मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, ऑफ कर दिया। और ये वाला लैंप है मुझे पता है, तो मैं इसे हल्के हल्के हाथों से इसकी जेली निकाल दूंगा। देखिए ये ट्यूज़र है, फाइन नहीं लेना दोस्तों ट्यूज़र, नहीं तो क्या होगा, ट्रैक ओपन हो जाएंगे। तो इसको हल्के हल्के हाथों से हम लोग ऐसे रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद क्या करेंगे, आराम से उसको निकाल लेंगे किसे लैम्प को, क्योंकि उसमें कलर मिसिंग है, तो उसको रिप्लेस कर देंगे हम लोग। कई बार ये ड्राई सोल्ड से भी आ जाता है, लेकिन मैं ज़्यादातर रिप्लेस करने में ही विश्वास रखता हूँ, क्योंकि हम लोग एक लेग को ड्राई कर देंगे फिर नेक्स्ट टाइम फिर दूसरा इशू आ जाएगा, और ये कहीं लगना है फिक्स में। तो मेरे ख्याल से इसे ना रिप्लेस करना ही बेहतरीन होता है, तो हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करने के लिए इसके लैम्प को निकालना पड़ेगा दोस्तों। एलईडी वॉल वॉल में अगर आप पुराने टेक्नीशियन हो तो आपको पता होगा इसमें नॉच किस तरफ रहती है, या लैम्प कैसे लगाया जाता है। अगर आप नए होंगे दोस्तों तो आप प्लीज़ पूरे वीडियो देखना पड़ेगा आप लोगों को, यहाँ पे मेरे बहुत सारे वीडियो इस चैनल में। अच्छा दोस्तों, और आप नए होंगे मेरे चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। अभी ये लैंप निकालते निकालते मुझे एक चीज़ दिखा यहाँ पे, कि थोड़ा करीब से दिखाना, ये ड्राई
तो नहीं है, इसके ट्रैक उखड़ गए, तो हम लोग ना इसे जंपर ही मारेंगे, जंपर कर देंगे क्योंकि इसके ट्रैक ओपन हो गए हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे ये दिखाना चाहिए, थोड़ा रिस्क ली है ये, क्योंकि ये अदर ट्रैक भी ओपन हो सकते हैं इसको निकालते निकालते, तो वो भी मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ इसको निकाल दूँ। ये देखिए निकाल रहा हूँ इसे, ये देखिए निकल गया, और आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये ट्रैक ओपन है, और निकालते निकालते देखिए ये दो ट्रैक ओपन हो गया ये, और इसका नॉच इस साइड में है जो कि ये लैंप है, तो मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ मैं इसी लाइट को, जो इसके ट्रैक है मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका ट्रैक ना, ये देखिए ये है ओपन हो गया है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको सोल्ड कर देते हैं, ये उड़ गया था इधर, रिसोल्ड कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने पूरा बाहर निकाल लिया इसको, और देख पा रहे होंगे आप लोग मैं इसकी जेली उतना ही निकाला हूँ जितने मुझे ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमको फिर से फिलअप करना है इसको। तो दोस्तों ये देखिए मैं इसे फिर से इंस्टॉल कर देता हूँ सोल्डरिंग के थ्रू। दोस्तों ध्यान देना है कि डायरेक्शन सही हो तभी जल पाएगा वो, नहीं तो नहीं जलेगा, और मैं आपके सामने लाइव रिपेयर करके दिखा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया सोल्ड, और इसके कनेक्शन में अभी से ले लेता हूँ, देखिए किस तरह से मैं लेता हूँ, मुझे पता है दोस्तों इसके कनेक्शन कैसे है, इसलिए मैं ले रहा हूँ इसको इस तरह से। यहाँ से मैं दूसरे लाइट से इसके कनेक्शन लूँगा और मैं जम्पर करूँगा, यहाँ से मुझे जेली निकालनी पड़ रही है, ये देखिए जेली निकाल दिया, उसके बाद मैं कनेक्शन ले लेता हूँ उसके यहाँ से। और आप लोगों को बताने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए, कि कहाँ से मैं क्या कनेक्शन ले रहा हूँ, और ये मुझे काम करके आदत है, इसलिए क्या है मुझे पता है कौन सा कनेक्शन कहाँ से लेना है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। आप नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आप लोग समझ में आएगा, एक ही वीडियो में समझ में नहीं आने वाला है। ये देखिए तो मैं कनेक्शन ले लेता हूँ, किससे लेना है, इस जम्पर वायर से। आप सोच रहे होंगे कि एक कनेक्शन इधर से लिया, एक कनेक्शन वहाँ से लिया, ऐसा ही है दोस्तों ये, क्योंकि उसका कनेक्शन ही वैसे उस तरह से है, तो मैं इसे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, करने वाला हूँ, देखिए अभी कनेक्ट नहीं करने वाला हूँ मैं, तो आपको दिखाने वाला हूँ क्या किस कनेक्शन किधर से क्या होने वाला है। तो ये कनेक्शन मैं कट कर दे रहा हूँ, दो वायर लिया हूँ देखिए, और इसको हल्के हाथों से हम यहाँ रख देंगे, तो मैं इसे ऑन करने जा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखना है आप लोगों को। ये देखिए ऑन हो गया, मैं इसको वाइट कलर में लेके आता हूँ, ये देखिए ये ऑन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने निकाले ना अभी कनेक्शन इसके, तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है जो कि यहाँ से है वो रिमूव हो गया था, ये देखिए आ गया। तो पॉजिटिव पॉइंट जो होता है इसका, इस हाथ से लिया जाता है, जो मेरे तरफ देख रहे होंगे आप, देख पा रहे होंगे आप लोग, ये देखिए ये ऑन हो गया, और जम्पर को बराबर सेट कर देना है हमें, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो आगे मास्किंग करते समय। और देख पा रहे होंगे कि आप, मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, ये देखिए दोस्तों मैंने ब्लू कलर ज्वाइंट कर दिया, अब ये भी वाइट हो गया, अब हमें करना क्या है, अब ये तो ढीला सा है थोड़ा, तो इसको हमें क्या करना है, इसको फिक्स करने के लिए ना हल्का सा फेविक्विक का यूज़ करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत जन बोलेंगे सर फेविक्विक के लिए क्यों ले रहे हैं, तो यार ये तो पूरा ढीला हो गया है, तो हम लोग फेविक्विक ले लेंगे, यहाँ पे हल्का सा ड्रॉप कर देते हैं, और उसको
इकादी, ये माचिस की, ये सॉरी अगरबत्ती की स्टिक होती है ना, उसके नीचे लेग के नीचे डाल देंगे ऐसे ऐसे, ताकि वो फिक्स हो जाए, खराब ना हो नेक्स्ट टाइम, क्योंकि वो कमज़ोर हो गया है, उसका लेग ओपन हो गया इसलिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसे ये कर देंगे, और कुछ देर ड्राई होने के बाद, सूखने के बाद, फिक्स होने के बाद हम क्या करेंगे उसमें, ये कर देंगे, ग्लू डाल देंगे। अब ये चेक कर लेते हैं हम लोग कि प्रॉपर बैटरी की नहीं जाली, ये देखो बैठ गई है, और आप लोगों को मैं चेक करा रहा हूँ, देखो RGB रेड ग्रीन ब्लू, ये देखिए रनिंग आ गई। मैं RGB पूरा चेक कराता हूँ, लैंप यहाँ ये वाला हमने डाला है, देखिए। तो दोस्तों ये पूरा चेक हो गया, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे जेली फिलअप करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरी जेल, यहाँ पे जेली है, तो उसको आउटडोर में दोस्तों आपको जेली डालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो आउटडोर निकल आएगा। तो मैं इसे बंद कर दूँ तभी आप लोगों को दिख पाएगा, ये देखिए यहाँ पे जेली निकाला था मैंने, यहाँ पे देखिए। तो मैं इसे फिलअप कर देता हूँ ताकि वो आउटडोर बना रहे, ना कि वहाँ पे अगर पानी जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। ये सिलिकॉन ग्लू होता है दोस्तों, मैं वहाँ पे बाद में फिलअप करने वाला हूँ, क्योंकि अभी वो फेविकिक थोड़ा गीला है इसलिए। तो फ्रेंड्स आप हमारा वीडियो प्रॉपर देखते रहेंगे तो LED वॉल वाले, तो ये पूरा आप लोगों को समझ में आएगा किस तरह से कनेक्शन लिया जाता है। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से चेक करा देता हूँ आप लोगों को, ये देखिए ऑन करके, देखिए ब्लू, ग्रीन पूरा, और ये रेड, और पूरा मिला के बन गया वाइट। तो ये देखिए मैं इसे हिला भी रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, अभी कुछ देर में वो ये हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, फिर मैं इसे फिक्स कर दूँगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू।